फ्रेंड्स वेलकम टू माय पावरफुल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आपको मोबाइल पुराना हो गया, आपको मोबाइल ओल्ड हो गया, आपको मोबाइल पुराना हो गया तो आप कैसे वो सेल कर सकता, कैसे वो बेच सकता। एक एप्लीकेशन है, उसका कंपनी ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ्टी कंपनी है। आपको मोबाइल बेचना है तो आपको घर में आके आपको मोबाइल लेके जाएगा, आपको जितना प्राइस होगा आपको दे के मोबाइल लेके जाएगा। वो कंपनी आपको ज़्यादा हाई प्राइस में दे रहा। और सब कंपनी है जो ओएलएक्स कंपनी, उसका थ्रू मोबाइल बेचेगा तो आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, लेकिन ये एप्लीकेशन ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये एप्लीकेशन में आपको मोबाइल का प्राइस ज़्यादा देगा। आप कोई पुराना मोबाइल हो गया तो आप ये एप्लीकेशन पे कैसे बेच सकता, आपको वीडियो का पूरा देखना है। वीडियो का अंदर बताऊँगा कैसे आप मोबाइल का सेल कर सकता, आपका मोबाइल पुराना हो गया तो कैसे बेच सकते। उसके पहले मेरे चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर करना, एक तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको मोबाइल फ़ोन पुराना हो गया तो आपको वो कैसे सेल करना है हाई प्राइस में। आपको मोबाइल कोई प्रॉब्लम, छोटा हल्का प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं, आपको मोबाइल कैसे बेच सकता। आप घर बैठ के मोबाइल, आपको कोई एक एजेंट आपको घर में आएगा, आपको रुपीज़ देगा, जितना प्राइस होगा आपको मोबाइल पर वो रुपीज़ देकर आपको मोबाइल लेके चल जाएगा। एजेंट आपको घर से लेके चल जाएगा, आपको रुपीज़ दे देगा। कैसे क्या करना है वीडियो का लास्ट तक देखना। चलिए फ्रेंड्स पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद देखिए कुछ सेकेंड वेट लेगा। वेट करने के बाद आपको जो मोबाइल है उसको यहाँ पर आपको साइन अप मोबाइल नंबर देके साइन अप करने के बोलेगा। आप साइन अप कर दीजिए। करने के बाद आपको सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको जो मोबाइल है यहाँ पर शो करेगा, आपको मोबाइल का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है सेल नाउ, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस यहाँ पर चला आएगा, आपको जो मोबाइल नेम ही यहाँ पर शो करेगा। अब मोबाइल कितना साले आपको मोबाइल रिलीज हुआ, 2016 में मेरा मोबाइल जो ओप्पो कंपनी रिलीज किया वो रिलीज आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर 32 GB स्टोरेज है, रैम 3 GB रैम है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फाइंड सेलिंग प्राइस, इसको बराबर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर बोल रहा, डज द डिवाइस स्विच ऑन, यस आपको यस कर देना है। यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद देखो यहाँ पर बोल रहा, यहाँ पर देखो फंक्शनल और फिजिकल प्रॉब्लम, आपको कौन मोबाइल आपको जो प्रॉब्लम है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो टास्क इशू, आपको मोबाइल पर टास्क इशू हो रहा तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको जो फ्रंट कैमरा के काम नहीं कर रहा तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको जो बैक कैमरा काम नहीं करना तो इसके ऊपर क्लिक करना है। वॉल्यूम प्लस माइनस बटन क्लिक काम नहीं कर रहा तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको सब अच्छा है तो यहाँ इस फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा, आपको फिंगरप्रिंट का इशू है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और कोई भी इशू नहीं है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको पास आपको मोबाइल का चार्जर ओरिजिनल है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको पास ईयरफोन ओरिजिनल है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको मोबाइल पर जो बॉक्स दिया था वो बॉक्स है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको जो वैलिड बिल दिया था वो बिल है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरा ओरिजिनल चार्जर नहीं, ईयरफोन नहीं है, बॉक्स नहीं है, मेरा वैलिड बिल है, बिल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको जो मोबाइल का बिल का जो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना बोल रहा, मेरा डेट हम सिलेक्ट कर ले रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ईयर लिखा हुआ, ईयर के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करना आपको जो ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना, मेरा 2017 यहाँ पर हम क्लिक कर रहा है। क्लिक करने के बाद आपको जो डेट और ईयर तो दे दिया। आपको डेट सिलेक्ट करने के लिए मेरा है अगस्त सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करो, ये अगस्त मेरा जो है 21 अगस्त, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ओके वाला बटन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर डेट उठ जाएगा। उठने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाला बटन इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मोबाइल पर बैक साइड पर फ्रंट साइड पर कोई भी साइड पर स्क्रैच पड़ा, आपको जो हल्का सा
जो छिल गया, दाग हुआ मोबाइल पर, कोई स्क्रेच हुआ तो कोई स्क्रेच नहीं हुआ तो आपको मोबाइल नया जैसा है तो इसके ऊपर क्लिक करो, और हल्का सा स्क्रेच हुआ तो आपको गुड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेरा स्क्रेच नहीं है, हल्का स्क्रेच है लेकिन नया का तरफ है, उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मेरा सेट का प्राइस कितना बता रहा, देखो यहाँ पर आपको जो मोबाइल है मोबाइल का प्राइस इसको यहाँ पर देख जाएगा। ये यहाँ पर क्या क्या मेरा डिसेबल है, यहाँ देखिए ओरिजिनल चार्जर मेरा नहीं है, ईयरफोन नहीं है, बॉक्स नहीं है, और मेरा शॉप अच्छा है। मेरा प्राइस कितना 2900 रुपीस। आपको क्या करना है, ये प्राइस मेरा इतना कम क्यों, आपको इतना कम मेरा मोबाइल का ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है मोबाइल का, देखो यहाँ पर ये प्राइस 10999 रुपीज़ मेरा मोबाइल का ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन मेरा ये प्राइस क्यों शो कर रहा, मोबाइल आपको बेचना है तो 2900 क्यों दे रहा। देखिए दोस्तों मेरा ये अच्छा प्राइस दिया कंपनी, अच्छा प्राइस दिया क्योंकि यहाँ पर आपको सेल करना है तो यहाँ पर क्लिक करो सेल नाउ, ठीक है। उसके पहले हम आपको बता दे रहा मोबाइल का मेरा कितना साल हो गया, उसके बाद मेरा 2900 रुपीज़ मिल रहा। देखिए यहाँ पर कुछ सेकंड वेट होगा, इस कैलकुलेटर मेरा कितना साल हुआ मोबाइल का हम आपको दिखा दे रहा। देखिए कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको जो कोई ऐड आएगा तो ऐड यहाँ पर काट देना है, काट देने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर काट देना है, काट देने के बाद जो आपको डेट है यहाँ पर टाइप करना है। देखिए मेरा साल कितना हुआ यहाँ पर देख सकता आप, मेरा 3 साल हो गया, 2 ईयर्स 2 मंथ 8 डे, मेरा 2 साल 3 मंथ्स होने जा रहा, लेकिन मेरा मोबाइल का प्राइस यहाँ पर 2999 रुपीस आपको दे रहा। देखिए अच्छा प्राइस दे रहा, आपको मोबाइल भी अच्छा है तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सेल वाला बटन आपको बेचना है तो आपको सेल वाला बटन नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मोबाइल यहाँ पर हाउस नेम दे देना है, कहाँ पर आपका घर कहाँ, ये एड्रेस यहाँ पर दे देना है। देने के बाद आपको यहाँ पर जो विलेज का एड्रेस है यहाँ दे देना है, सिटी यहाँ दे देना है, आपको स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करके दे देना है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, मंगलुरु है, कोई भी स्टेट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको पिन नंबर यहाँ पर दे देना है, देने के बाद सेव वाला बटन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर एड्रेस ये जो मोबाइल एप्लीकेशन का जो कंपनी है उसको थ्रू उसको SMS चल जाएगा, वो आपको फ़ोन करके पूछेगा आपको मोबाइल बेचना है तो हम जाएगा तो आपको वो प्राइस पर आपको वो जो मेरा प्राइस दिखाया ना ये प्राइस आपको देके मोबाइल घर से लेके चल जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, एक तो लाइक कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय।